ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ओबेसिटी नंबर 3746। मॉर्निंग क्लास डेटेड 8th December 1968। क्लैरिफाइड ऑन 27th September 2021। प्रातः क्लास चल रहा था 8/12/1968। The morning class dated 8/12/1968 was in progress. छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी बायजोली की। The topic we were discussing in the end of the middle part of the sixth page was about somersault. ये बायजोली याद करने की है, कोई difficult नहीं है। This somersault isn't difficult to remember. ये बायजोली तुम खुद ही पहनते हो। You yourself do somersaults. बाबा ने ज्ञान दिया है, जो ज्ञान देने वाला है वो बाबा, फिर ब्राह्मण बनाने वाला, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, फिर शूद्र। बाबा has given us the knowledge that he is the one who gives us knowledge. He is the one who makes us into Brahmins. From Brahmins, we become into deities. From deities into Kshatriyas. From Kshatriyas into Vaishyas. And then from Vaishyas into Kshudras. Kshudra paon ko kaha jata hai. The feet are called Kshudra. Ab tum bachon ne dekha nahi hoga baijoli lagate hue. Now, you children mustn't have seen anyone doing somersaults. इनको जिन्होंने देखा है सो हाथ उठाओ। Those who have seen this one, raise their hands. देखो। Look. बाकी ने देखा ही नहीं। Look. The rest of them haven't seen it at all. अच्छा छोड़ो। अच्छा लीव इट। जिन्होंने नहीं देखा है वो हाथ उठाओ। Those who haven't seen it, raise their hands. देखो, अभी पहचान चाहिए ना भाइयों की आपस में, कि कौन कौन है जो पूरी बायजोली खेलते हैं। Look, the brothers should recognize each other, shouldn't they? Who all do the complete somersault? तो बाबा पहचान देते हैं। So, Baba gives you the introduction. कि ये कलकत्ते की ब्राह्मणी है, head ब्राह्मणी। This is the Brahmani of Kolkata, the head Brahmani. और हर जगह की head ब्राह्मणी होती है। There is a head Brahmani in every place. जैसे ये आगरा की हेड ब्राह्मणी। Just as the head Brahmani of Agra. अभी थोड़े समय में इनमें से भी हेड ब्राह्मणी कोई बनेगी। Now, within a short period, someone will become a head Brahmani among these ones too. कोई न कोई गांव की बनेगी। She will become a head Brahmani of some or the other village. और अभी गांव तो बहुत हैं। Moreover, there are many villages. ढेर के ढेर हैं। There are lots of villages. मद्रास की तरफ में जाओ। Go towards Madras. कहाँ कहाँ जाओ? Go anywhere. अब ये बच्चा मद्रास से आया हुआ है। Now, this child has come from Madras. ये भी ब्राह्मण बनेगा जा करके जरूर। He too will certainly become a Brahmin after going. ऐसे बनते हैं ब्राह्मण। They become Brahmins this way. मेल भी ब्राह्मण बनते हैं।
और कहीं कहीं मेल भी सेंटर्स चलाते हैं। मेल्स ऑल्सो बिकम ब्राह्मिन्स, दे टू रन सेंटर्स एट सम प्लेसेस। ये समझाते हैं। दे एक्सप्लेन द नॉलेज। 8/12/1968 की प्रातः क्लास का सातवां पेज। 7th पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 8/12/1968। तो जब से निकलते हैं कहां से भी आते हैं। सिंस द टाइम दे कम फ्रॉम एनी प्लेस। तो वो रास्ते में तो कोई काम काज रहता नहीं है ना। सो दे डोंट हैव एनी वर्क ऑन द वे डू दे। तो जैसे कि तुम बच्चों को तो जाना है शांति धाम में, और वहां शांति धाम से फिर यहाँ आना है। इट इज एज इफ यू चिल्ड्रन हैव टू गो टू द अबोड ऑफ पीस एंड कम हियर फ्रॉम देयर। और उस समय जाना है तो याद भी करना है। एंड व्हेन यू हैव टू गो यू हैव टू रिमेम्बर। हाँ, कि हमको फिर शांति धाम में भी जाना है, हम जाते ही हैं वहां। यस वी हैव टू गो टू द अबोड ऑफ पीस एज वेल, वी सर्टेनली गो देयर। कल्प कल्प जाते हैं। वी गो देयर कल्प आफ्टर कल्प। जो हमको शांति धाम का और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। He tells us the way to the abode of peace and the abode of happiness. तो बच्चों को याद करके दिलाते हैं ना। So he reminds the children, doesn't he? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं याद दिलाता हूँ कि सुख धाम को भूलते जाओ। बाबा says, children, I remind you to keep forgetting this abode of sorrow. और अपने घर को याद करो। एंड रिमेम्बर योर होम। और घर तो जैसे कि यहाँ बैठे ही हो ना, बाप के घर में। एंड द होम इट इज एज इफ यू आर सिटिंग हियर इन द फादर्स होम, aren't यू। तो क्या याद करना है। सो व्हाट डू यू हैव टू रिमेम्बर। घर ही याद करना है। यू हैव टू रिमेम्बर द होम अलोन। अपन को आत्मा समझ घर याद करना है। यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज ए सोल एंड रिमेम्बर द होम। और फिर नई दुनिया याद करनी है। एंड देन यू हैव टू रिमेम्बर द न्यू वर्ल्ड। क्योंकि पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। इट इज बिकॉज द ओल्ड वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। ठीक है ना बच्चे। इट इज करेक्ट इजंट इट चिल्ड्रन। जैसे कोई हद का मकान होता है तो समझते हैं कि खत्म होने वाला है, तो हम उसको भूल जाते हैं। जस्ट एज देयर इज अ लिमिटेड हाउस यू अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड सो यू फॉरगेट इट। और जो नया मकान बनता है वो तो रोज आकर के देखते हैं। एंड एवरी डे यू गो एंड सी द न्यू हाउस दैट इज बिल्ट। तो यहाँ ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो बैकुंठ में जाती हैं। सो हियर देयर आर मेनी ऑफ सच डॉटर्स हु गो टू वैकुंठ। और आगे चल करके तो तुम बहुत दफा जाएंगी, समझे ना। एंड इन फ्यूचर यू विल गो देयर मेनी टाइम्स। यू हैव अंडरस्टूड हैवंट यू। तुम घड़ी घड़ी जावेंगी, आंखें बंद हो जावेंगी, घड़ी घड़ी चले जावेंगे। यू विल गो देयर रिपीटेडली, योर आईज विल क्लोज एंड यू विल गो देयर अगेन एंड अगेन। ऐसे बहुत होते हैं बच्चे। देयर आर मेनी ऑफ सच चिल्ड्रन। अरे अंत में तो होंगे ही, शुरुआत में ऐसे बहुत शुरू हुआ है। अरे दे विल सर्टेनली बी देयर इन द एंड, अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस स्टार्टेड इन द बिगिनिंग। ओ बैकुंठ देखना, अरे पाई पैसे की बात है जैसे।
इट इज एज इफ इट इज वेरी इजी टू सी वैकुंठ। हम लोग भेजते नहीं है। वी डोंट सेंड देम देयर। बाबा समझाया था ना? बाबा एक्सप्लेन्ड इट, डिडंट ही? वहाँ स्कूल थे। देयर वर स्कूल्स देयर। पहले पहले वहाँ स्कूल थे। एट फर्स्ट देयर वर स्कूल्स देयर। बच्चे बच्चों ने देखे होंगे। चिल्ड्रन मस्ट हैव सीन देम। क्यों बड़े बड़े बच्चों ने भेज दिया, साहूकारों ने भेज दिया कि बच्चे ध्यान में चले जाते हैं, डांस करते हैं, बैकुंठ में जाते हैं। The big children, wealthy people send them there because children go in trance, they dance and go to Vaikunth. तो उन साहूकारों को भी खुशी होती थी। So these wealthy people also used to become happy. कि हम भी अपने बच्चे भेज दें। And see, we will send our children as well. तो वहाँ बड़े बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते थे। So, the children of the rich used to study there. और फिर उनके लिए खास महल बनाया। And a palace was especially made for them. उसका नाम ही रख दिया ओम निवास। It was given the very name ओम निवास। बड़ा लंबा एकदम, जैसे स्टीमर के मुआफिक। It was very long like a steamer. तो बड़े बड़े घर की वहां रहते थे। So, those from very rich families used to stay there. और पीछे जब ये हंगामा तो सब भगा दिए। Later, when there was this commotion, everyone were sent away. सब पढ़ते थे। Everyone used to study. और ये सभी नॉलेज भी पढ़ते थे, दुनिया भी। And they used to study everything, the worldly studies as well. उनको हिंदी भी सिखलाते थे, ये भी सिखलाते थे। They were taught Hindi as well as this. क्योंकि हिंदी भी तो सिखलानी पड़े ना छोटे छोटे बच्चों को। It is because the young children should be taught Hindi as well. Shouldn't they? वहाँ तो सिंधी चलती थी भाषा, तो हिंदी सिखलानी पड़ी। There, the Sindhi language was in use, so they had to be taught Hindi. अरे वो आप ही जाते थे वैकुंठ में। अरे, they used to go to Vaikunth on their own. एक क्लास में जाएंगे, लहर उठेगी, साथ चले जाएंगे वैकुंठ में। One student in the class went into trance. It spread like a wave, and then everyone used to go to Vaikunth. ये वैकुंठ कितनी प्यारी चीज है। This Vaikunth is such a sweet thing. तो फिर ये बंद कर दिया बच्चे। Then child, he stopped it. बाबा यहाँ भी करते थे। Baba used to do it here as well. जिसको बाबा कब्रस्तान कहते थे। He used to call it a graveyard. सबको बोलते थे सो जाओ पूरे क्लास में। He used to ask everyone in the class to sleep. जो आदि हुआ सो, तो अंत भी होता है। Whatever happens in the beginning happens in the end as well. सो जाओ। Sleep. बाबा को याद करो। रिमेम्बर बाबा। सब मिलकर के बाबा को याद करो। एवरीवन रिमेम्बर बाबा टुगेदर। याद करके 15 मिनट के 10 मिनट के पीछे पीछे आते ही कोई हाथ ऐसे करते थे, कोई ऐसे करते थे, कोई उठ खड़े होते थे, कोई डांस करते थे, रिमझिम मचे जाती थी। Some remembered Baba for 15 minutes, for 10 minutes, and then did like this with their hands. Some used to do that, some used to stand up, some danced. There used to be a pitter patter.
पीछे वो हाथ उठाए करके दूसरे को है उठाए करके ऐसे ऐसे दूसरे को रास करके ये ध्यान में चले जाते थे। Then they used to raise their hands, make the other person stand up, dance, and then go into trance. बड़े खेल होते थे। There used to be lot of play. परंतु मनुष्यों ने आकर के क्या किया? But what did people do after coming? कहा इन्होंने जादू, जादू कर दिया। They said these ones did magic. अब वो ऐसे कहने लगे तो फिर बंद कर दिया। When people started saying so, we stopped it. क्योंकि वो तो ये जादू देखने के लिए यहाँ आते थे। It is because they used to come here to watch magic. बस। That's it. उसके दिल में ये थी कि हम यहाँ जावे, यहाँ क्या होता है, ये सभी कैसे क्या रास करते हैं। It was their wish to go there and see what happens there. How they all dance. वो पीछे बंद कर दिया। Later we stopped it. अरे जादू जादू जादू, तो जादू को बंद ही कर दिया। अरे they said magic magic magic, so it was stopped. खेल किसके लिए रखा है? For whom is the play? फिर अंत के समय के लिए भले खुशी से जावे। You may go happily at the end. तो अभी तुम बच्चे भी जादूगरनिया हो। So now you children are also female magicians. बाबा ने तो जादूगरी का काम किया। आदि में। बाबा did magic in the beginning. और पिछाड़ी में तुम भी जादूगरनी बनेगी। एंड यू विल ऑल्सो बिकम मैजिशियंस एट द एंड। समझा ना? यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू? क्योंकि तुम किसको भी देखेंगे ना ऐसे तो वो जादू में चले जाएंगे और डांस करना सीखेंगे। इट इज बिकॉज Whoever you look at like this, they will be enchanted and learn to dance. तो जादूगर के बच्चे भी तो जादूगर बनते हैं ना? So the children of magicians also become magicians, don't they? तो ये जादू कितना अच्छा है? So this magic is so nice. नवदा भक्ति में जब साक्षात्कार होते हैं ना? When people have visions in Navadha Bhakti, nine kinds of bhakti, जब सिर उतार करके रखने को आते हैं तब उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। They have visions when they become ready to cut their head. उसको कहा जाता है Navadha Bhakti. That is called Navadha Bhakti. एकदम जोर से भक्ति। इट इज इंटेंस भक्ति। इतने जोर से भक्ति कि वो एकदम प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इट इज सच इंटेंस भक्ति दैट दे बिकम रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ। तभी उनको दर्शन होते हैं। इट इज देन दैट दे हैव दर्शन। और यहाँ तो बाप आए हुए हैं। And here the father has come. वहां तो सिर्फ दर्शन होते हैं। There you just have darshan. कोई पद तो नहीं प्राप्त कराते। They certainly don't make you attain any position, do they? अब यहाँ तो वो पद ही प्राप्त कराते हैं। Here he makes you attain a position. तो बहुत सहज हो जाता है। So it becomes very easy.
जब प्राप्त कराते हैं पद, ही मेक्स यू अटेन अ पोजिशन, परंतु वहां तक जो ठहरेंगे वो ही तो प्राप्त करेंगे। बट दोस हू स्टे फर्म टिल देन ओनली दे विल अटेन इट, और वो आप ही चले जाएंगे। एंड दे विल गो ऑन देयर ओन, क्योंकि पिछाड़ी में घर तो देखने का है ना। इट इज बिकॉज दे डू हैव टू सी द होम इन द एंड, डोंट दे। और वो यहाँ तक भी देखेंगे, बाबा समझाए देते हैं। एंड दे विल सी इट टू सच एन एक्सटेंट, बाबा एक्सप्लेन्स, जो जो पद जिनको जिनको जैसा होगा, वॉट एवर पोजिशन समवन रिसीव्स, सभी एक का दो का पद देखेंगे आपस में। एवरीवन विल लुक एट ईच अदर्स पोजिशन, तो समझ जाते हैं। सो दे अंडरस्टैंड। और बाप तो समझाने वाला फिर बैठा ही रहता है। एंड द फादर हु एक्सप्लेन्स इज एनीवे सिटिंग। अरे अभी भी कोई पूछे तो बाबा कह सकते हैं कि कौन सा अच्छा गुलाब का फूल है। अरे इवन इफ समवन आस्क्स नाउ, बाबा कैन टेल हु इज द नाइस रोज फ्लावर, कौन सा मोतिया का फूल है। हु इज द फ्लावर ऑफ मोतिया, कौन सा चंपा का है, कौन सा टांगर का है। हु इज चंपा, हु इज टांगर, पिनव्हील फ्लावर, कौन सा वो है उसको तू हो का कहें। हु इज अ फ्लावर ऑफ तू हो, तू है मैं भी तो फूल होते हैं ना। देर आर फ्लावर्स इन तू हो एज वेल, aren't there? अरे तू है मैं फूल होते हैं, मालूम है तुम लोगों को कि तू हो किसको कहा जाता है। अरे देर आर फ्लावर्स इन तू हो, डू यू नो वॉट इज कॉल्ड तू हो। तो किसी ने कहा वो लाल लाल फूल होता है। समवन सेड इट इज अ रेड फ्लावर। अरे वो लाल लाल फूल जंगल में नहीं होता है। अरे दैट रेड फ्लावर इजंट फाउंड इन अ जंगल। जैसा वो होता है, इट इज लाइक, समझा ना। यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू। अब ये गीता तो पढ़ाते हैं। नाउ दे डू टीच द गीता, सिर्फ कहते हैं। दे जस्ट नरेट इट, ऐसे नहीं कहते हैं भगवान वाच होकर गए हैं। दे डोंट से दैट गॉड हु नरेटेड द गीता वाज देयर इन द पास्ट। वो तो उनको मालूम ही नहीं है कब होकर गए हैं। दे जस्ट डोंट नो व्हेन ही वाज प्रेजेंट। 8/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, 8th page ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 8/12/1968। बस शास्त्रों में लिख दिया है। दे हैव जस्ट रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, श्री कृष्ण भगवान वा गॉड श्री कृष्ण स्पीक्स। और यहाँ देखो बाबा बोल देते हैं ये सब झूठे हैं। एंड लुक हियर बाबा सेज ऑल ऑफ देम आर फॉल्स। अरे नाम भी पढ़ाने वाले का झूठ रख दिया। अरे दे हैव मेंशनड अ फॉल्स नेम ऑफ द टीचर। तो जो झूठ नाम है वो लिखा हुआ है कृष्ण बच्चे का। दे हैव मेंशनड द फॉल्स नेम ऑफ चाइल्ड कृष्ण। अरे बच्चा तो बच्चा बुद्धि। अरे अ चाइल्ड हैज अ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट। वो कैसे भगवान वाच हो गया। हाउ डिड ही बिकम गॉड हु नरेट्स द गीता। कृष्ण क्या जाने ज्ञान की बातों से। हाउ विल कृष्ण नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज। तो बाबा यहाँ समझाते हैं ना। सो बाबा एक्सप्लेन्स हियर डजंट ही। ये देखो ये जो कृष्ण है ये बच्चा है। लुक दिस कृष्ण इज अ चाइल्ड।
भारत के कोई भी मंदिरों में, कृष्ण के मंदिरों में जाके देख लो, बच्चा बैठा हुआ है। गो एंड लुक इन एनी ऑफ द टेम्पल्स ऑफ कृष्ण इन इंडिया, अ चाइल्ड इज सिटिंग देयर। है? अभी उनको पाई का भी ज्ञान नहीं है। जहां कहीं भी उन्होंने जन्म लिया होगा। Now he doesn't have knowledge even to the slightest extent, no matter where he is born. इसमें ये लक्ष्मी नारायण है ना? There are लक्ष्मी नारायण in this picture, aren't they? इनमें ये ज्ञान जरा भी नहीं है, पाई का भी नहीं। They don't have knowledge even to the slightest extent. तो बाबा फिर कभी यूं कह देते हैं, ये तो सब बुट्टू लोग हैं। So sometimes Baba casually says, all of these are foolish people. और तुम जो ब्राह्मण हैं, सबसे ऊंच। And you Brahmins are the highest. और तुमको भगवान पढ़ाते हैं। एंड गॉड टीचर्स यू। तो तुम ही तो ऊंचे थे ऊंचे है ना? सो यू अलोन आर द हाईएस्ट ऑफ द हाई, aren't यू? और तो नंबर वार नीचे कुरी के ब्राह्मण हैं, जो सत्युग में जाके नीचे कुरी के नीची पीढ़ियों के देवता बनते हैं। इनको कोई भगवान थोड़े ही पढ़ाते हैं। All the others are Brahmins of the number wise lower category who become deities of the lower category, lower generation in the golden age. God certainly doesn't teach them. तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे तो तुम हो। So you are the direct children of God. देखो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, और कहते हैं ना, बच्चों बच्चों। Look, he teaches the children, doesn't he? And he says, doesn't he? Children, children. ऐसे ऐसे कहते हैं ना, पढ़ो। He says like this, doesn't he? Study. तो तुमको पढ़ाते हैं, भगवान ही पढ़ाते। So he teaches you. God himself teaches you. और इन नीची कुरी वाले ब्राह्मणों को कोई भगवान थोड़े ही पढ़ाते हैं। And God doesn't teach these Brahmins of the lower category. जो अच्छा पढ़ाते हैं उनको फिर इजाफा मिलता है। Those who teach nicely get rewards because they serve many. क्योंकि बहुतों की सेवा करते हैं, और बहुतों की सेवा करते हैं तो बहुत ऊंचा पद मिलता है। And as they serve many, they receive a very high position. मीठे रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार, और गुड मॉर्निंग। Remembrance, love and good morning from the heart and spirit, affection and love of the sweet spiritual father and dada. Meethe meethe ruhani bachcho prati ruhani baap ki namaste. Namaste of the spiritual father to the very sweet spiritual children. Om Shanti. Om Shanti.